से रिलेटेड किसी भी डाउट के लिए प्लीज़ रियल विकी यूट्यूब चैनल पे आप संपर्क करें। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस होता क्या है? यह एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सेफ्टी डिवाइस होता है। इसको पहले डेडमैन्स लीवर या डेडमैन्स स्विच भी कहा जाता था। यह जो है लोकोमोटिव में लगा होता है। यह एक साइक्लिक वार्निंग सिस्टम होता है जो कि ड्राइवर के अलर्टनेस को चेक करते रहता है। यानी कि जो ड्राइवर आपकी ट्रेन को लेकर जा रहा है, चाहे वो गुड्स ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेन हो, उस ट्रेन को लेकर जा रहा है तो ड्राइवर कितना अलर्ट है अपने सिग्नल्स को देखने के लिए, अपने पाथवे को देखने के लिए और बाकी सारी एक्टिविटी जो कि एक लोकोमोटिव के अंदर करना होता है उसको करने के लिए। वो ड्राइवर अलर्ट है कि नहीं, इसी अलर्टनेस को चेक करने के लिए लोको में एक VCD डिवाइस सेट किया जाता है, विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ड्राइवर को बेसिकली बहुत सारा फंक्शन करना होता है लोकोमोटिव में, जैसे कि उसको जो है नॉच को चेंज करना होता है, ब्रेकिंग सिस्टम को भी उसको नॉर्मलाइज करना होता है, लोकोमोटिव में उसको हॉर्न भी प्रेस करना होता है या VCD को भी प्रेस करना होता है या रीसेट करना होता है। साथ ही साथ उसको जो है डायनेमिक ब्रेकिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा और भी एक्टिविटी वो करते रहता है और यही जब एक्टिविटी वो करता है तो इससे पता चलता है कि ड्राइवर जो है इंजन में अलर्ट है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 60 सेकंड बाद जो है एक एक्टिविटी होने लगता है जिसमें कि LED जलता है, और LED जलने के बाद जो है अगर फिर भी ड्राइवर कुछ एक्टिविटी नहीं करता है या VCD को प्रेस नहीं करता है तो एक ऑडियो अलार्म बजता है जिसको बजर कहा जाता है। तो बजर बहुत ही तेज़ बजता है और फिर भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो उसके तुरंत बाद जो है ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है इंजन में और ट्रेन धीरे धीरे जो है हॉल्ट कर जाती है, ट्रेन धीरे धीरे स्टॉप कर जाती है। तो ये इसका ऑपरेशनल पार्ट हो गया। VCD जो है एक सेफ्टी डिवाइस होता है और ये सिर्फ ट्रेन में ही नहीं, कई केस में तो ये एरोप्लेन्स में भी लगाई जाती हैं, जहाँ पे ये हाइपोक्सिया को मिनिमाइज करता है। हाइपोक्सिया यानी कि आपका ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना। तो VCD एक बहुत ही क्रिटिकल डिवाइस है और बहुत ही मतलब सेफ्टी एस्पेक्ट है, इसलिए जो है इसको ट्रेन में लगाना मैंडेटरी है। और ऐसा माना जाता है कि अगर VCD फेल हो गया तो वो इंजन फेल हो गया और जो भी आपका लोको चेंजिंग पॉइंट होता है या डेस्टिनेशन होता है वहाँ पे उस लोको को फेल डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर उसको लोको शेड में भेज दिया जाता है रेक्टिफिकेशन के लिए। अब आप खुद ही सुनिए, अब आप सुन सकते हैं एक लोको पायलट VCD के बारे में क्या कहते हैं। VCD जो है सर, VCD का पूरा नाम विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस है। ये सेफ्टी के लिए लगाया गया है लोको में। जब कभी लोको पायलट जो है एक मिनट तक कोई मूवमेंट नहीं करता है तो ये जो है VCD की पीली बत्ती जलने लगती है और उसके बाद 60 सेकंड तक अगर और जो है लोको पायलट कोई मूवमेंट नहीं करता है तो जो है बजर बजने लगता है। इसके बाद भी अगर कोई लोको पायलट प्रतिक्रिया नहीं करता है तो जो है वो ऑटो फ्लेशर लाइट जलने लगती है और जो है इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। और कोई प्रक्रिया इसमें होता है इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है तो सर गाड़ी जो खड़ी करती है स्पीड 0 होनी चाहिए और उसके बाद 120 सेकेंड तक इंतजार करते हैं। 120 सेकेंड इंतजार करने के बाद VCD एक रिसेट बटन होता है उसे हम लोग रिसेट करते हैं।